गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल राज तिवारी ब्लॉग। और अभी सुबह के बज चुके हैं 10। संडे है, आराम से उठते हैं। और फिलहाल चाय वगैरह आपको पति तैयार हो गई है। गाइस बन चुकी है गर्मा गर्म टी। ये बन गई अदरक वाली चाय। आज ना मैंने मम्मा को ना थोड़ा सा वो कर दिया, डरा दिया। मतलब मैंने बोला कि हम ना आज 7 बजे ना मार्केट गए थे, मम्मा हमारे मजाक उड़ाएगी। फिर हम मैंने और पापा ने डांस करते हुए मम्मा को बोला ये मजाक था। हाँ, तो ये एकदम प्रैंक था थोड़ा सा मम्मा के साथ। तो देखो गाइस, आकृति हमारी कितने काम करती है। ये कौन सा न्यू स्टाइल आ गया, एक रस इतने सारे बिस्किट। एक रस पापा के लिए, तुम्हारे बिस्किट तुम्हारे लिए। थैंक यू। चलो, अक्षर की भी तबीयत खराब हो गई है। मेरा ठीक हो गया, दिल से मुझे ऐसा लगा। कोई बात नहीं, मैं आपको मेडिसिन दूंगा। तो गाइस, आज का मौसम का समाचार ये है कि धूप निकली हुई है अच्छी खासी। तो देखते हैं, अगर कहीं जाने का विचार बनेगा तो जाएंगे, क्योंकि दिन में तो जा सकते हैं, शाम को बहुत ज्यादा ठंड हो जा रही है। फिलहाल सूर्य देवता ने कृपा आज अच्छी सी कर दी है, सूर्य देव निकल चुके अच्छे से। बेटा जब ठीक होगा फिर लेना है। हाँ, फ्रूट खाएंगे बेटा। गाइस, आकृति को मिला है वेरी गुड, और 50/50। देखो मैंने पीछे प्रैक्टिस भी की है, इसने प्रैक्टिस की थी अच्छी सी। मैंने मेरा दिक्कत, और हाँ, और आकृति अक्षत पहली बार मुझे ना मेरे से वेरी गुड मिली है, वरना कभी मिलती नहीं है। हाँ, तो आकृति अक्षत कर रहे हैं अपने एग्जाम की तैयारी। गाइस, जब तक चल रही है इनकी पढ़ाई वगैरह, तो हम कुछ घर के काम करते हुए, पहले मैं मशीन लगाता हूँ कपड़े धोने वाली। आजकल हमारे इधर में बाहर से इससे कीड़े से बहुत आ रहे हैं, मैं इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अक्षत तो बोलता है इसको स्लिक बॉम, स्लिक बॉम। तो गाइस पहले इनको ही निकालते हैं बाहर, क्योंकि ये फिर ना पैरों के नीचे जब आ जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है हमें। तो भाई मशीन लगा देते हैं कपड़ों की। तो मशीन लग गई है कपड़ों की, अभी चला देते इसको। गाइस लंच में तैयार हो चुके हैं राइस एंड कढ़ी, जैसे कि आपको मैंने बताया था दिन में बन चुके हैं राइस कढ़ी। और यहाँ पे चल रही है बच्चों की पढ़ाई। सो गाइस, बच्चों की चल रही है अंदर पढ़ाई वगैरह, और लंच वगैरह जैसे तैयार हो ही गया, मैंने आपको दिखाई दिया है। और बाहर कपड़े मशीन लगी है, उसका काम भी कम्प्लीट होने वाला है। तो जो भी काम वगैरह है ख़त्म करने के बाद, और खास करके पढ़ाई कम्प्लीट करानी जरूरी है, क्योंकि बच्चों के कल से एग्ज़ाम है। सो गाइस देख लीजिए बच्चे कैसे पतंग वगैरह पकड़ने के लिए खड़े। अक्षर को पेंसिल मिल गई है, वो ये तीन क्यों लेके जा रहा है, तीन पेंसिल होते हैं। अभी इसने पता क्या किया था, वहाँ पे छोड़ दी थी अपनी पेंसिल, और कह रहा था मेरी पेंसिल गुम हो गई, वहीं पे पड़ी थी बिस्तर में। तो गाइस लंच बिल्कुल रेडी है, और कढ़ी चावल खाने, जैसे कि आपको पता ही था मेरा मन था बहुत ज़्यादा खाने का, तो फिलहाल यही तैयार किए गए। सो गाइस खाना वगैरह हो गया है, उसके बाद अब पीने का मन है थोड़ी सी एक चाय। तो पूजा को बोलते कि यार एक बढ़िया सी चाय बना लो। सो गाइस मैं और अक्षर जा रहे हैं दूध वगैरह लेने के लिए। अक्षर मैं जा रहा हूँ, अब मुझे भी क्या लेना है, दूध नहीं ना, हाँ दूध लेना है। हम दोनों जने मार्केट जा रहे हैं, दूध वगैरह लेके आएंगे, घर का सामान लेके आएंगे। बिस्किट, बिस्किट है, लॉलीपॉप गला खराब है, जब ठीक हो फिर लेंगे, ठीक है। तो अक्षर की तबीयत ठीक नहीं है, अभी इसको लॉलीपॉप वगैरह नहीं दिलाएंगे, जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना फिर दिलाएंगे, ठीक है। ओके, तो मोटरसाइकिल पंचर हो गया, हवा चला गया। हाँ, तो गाइस पंचर हो गया पिछले टायर में। हाँ, तो पंचर हो गया अंकल, ठीक करने के अंकल। हाँ, हम जा रहे हैं मार्केट, और पापा की मोटरसाइकिल की पंचर हो गई है। सो गाइस अक्षत मेरे साथ चल रहा है, और ये देखो मैं जा रहा हूँ बाइक लेके, पापा आईटे मोटरसाइकिल, और पापा आ गए हैं। सो गाइस आ गए मार्केट में, और ये देखो गाइस हम आ गए हैं मार्केट, और पंचर लग रहा है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक दूसरी दुकान में चले गए थे, वो बंद थी, फिर दिलाना पड़ा। अच्छा थोड़ा सा बोर तो नहीं, बोर हो गया नहीं, वो क्यों हो गया बोर, बोर हो गया थोड़ी बात थी, मैं अक्षर को चीजें दिलाऊंगा, है ना। हाँ गाइस पंचर लग गया, और अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, घर का सामान लेंगे। अभी आ गए मार्केट, हम आ गए घर। गाइस हम घर आ गए, अब दीदी को पार्क जाना है, अब दीदी नहीं बोल रहा है। तो तू घर पे रहेगा? नो, मैं पार्क जाऊंगा। तो गाइस जाना अक्षत को है पार्क, लेकिन आकृति का बहाना लगा रहा है, और आकृति भी आ गई है। चलो तो हम जा रहे हैं। क्यूट आ गया, क्यूट आ गई है। गाइस आप देख लो पार्क, मेरे पैर में ना कॉर्ड जाए नहीं काटता, डर लग गया।
कोई बात नहीं। तो गाइज बच्चों ने की थी जिद कि पार्क आना है, तो हम आ गए पार्क। तो बच्चे थोड़ी देर के लिए पार्क वगैरह घूमेंगे। जा रहा है घर। गाइस मेरे को पार्क के खेलने में मजा आ गया और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड ये वाला है। हाँ तो गाइस एक अक्षत का फ्रेंड भी आ गया था यहाँ पे, वो खेल रहा है अभी। गाइस से 7 साल का, वो 9 साल का है। हैं तो इसके फ्रेंड के साथ ही। तो गाइस बच्चे आगे घर और आते ही मम्मा से मांग रहे बिस्किट दो। और ये खा रहे भी बिस्किट। साइकिल भी है। सो गाइज अभी आ गए हैं पार्क से और पूजा को बोला कि एक अच्छी सी चाय बना दो, प्यारी सी, सुंदर सी, टिकाऊ सी, जिससे हमें एनर्जी आ जाए। तो अदरक वाली बनेगी चाय। सो गाइज यहाँ पे बन रही है एक अच्छी सी चाय, अदरक वाली। मसाला भी डाला लगता आपने, तो मसाला भी डाला गाइज, आज स्पेशल टी बनने वाली है। सो गाइज आपको लग रहा होगा कि इस वक्त चाय वगैरह कुछ ज़्यादा चल रही है, तो आपको बता दूँ कि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है हमारे, आपको मैंने बताई है। तो उस हिसाब से चाय वगैरह एक दो बार बनी जाती है। तो अब क्या करें, वैसे भी आज संडे है, संडे वाले दिन कहते ना ज़्यादा खा, जिस दिन छुट्टी होगी ना आपके घर में आप बैठे होंगे तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही खा पी हो जाता है। तो आज चाय वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, तो फिलहाल पीते हैं चाय। सो गाइस जो ये बोल रहे हैं ना कि चाय सर्दी है इसलिए, तो अभी तक तो गर्मियों में तक तो आप जुड़े हुए नहीं थे, अब गर्मी में देखना गर्मी में भी चाय ज्यादा ही बनेगी। ये सिर्फ बहाना है सर्दी सुर्दी का, चाय के जो शौकीन होते हैं ना वो चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो ना उसमें भी चाय पी लेते हैं, तो ये शौकीन इसीलिए बोलो सर मेरे को कि कैमरा ऑन करो। जी देखा ये हालत है, मेरे को बोले कैमरा ऑन करो मैं कुछ अच्छा बोलूंगी, तो ये देख लो मेरी झंड करके रख दी उन्होंने पूरी बुरी तरह से। तो देख लेंगे चाइनीज पर जूस चलेगा देखना तुम। और गाइस हमारे साथ है यार, आप लोग साथ दो सपोर्ट करो ताकि वाकई में जूस ही आए, वरना चाय बननी है। गाइस थोड़ी देर में शुरू करते हैं वर्कआउट। वर्कआउट करना बहुत जरूरी है सेहत के लिए भी और मेंटली भी, एक इंसान को अच्छा लगता है कि ठीक है यार मैंने कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट किया ना। तो गाइस कई बार होता ना कि मन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था ना। तो मेरी तो एक सोच है सबसे बड़ी कि अगर आप मान लो कि आपने सोचा है कि आपने कहीं पहुंचना है, जैसे मान लो आपने सोचा कि अमरनाथ जाना है, तो आप जब घर से चलोगे तभी तो वहां पे पहुंचोगे ना। तो वही चीज है यूट्यूब। यूट्यूब पे अगर हमने काम करना शुरू ही नहीं किया तो हम क्या आगे निकलेंगे, क्या गेनिंग करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमने काम करना शुरू कर लिया, ब्लॉग डाल रहे, तो आपको यार एक ना एक दिन तो हम भी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ही, कहीं ना कहीं तो यूट्यूब पे पहुंचाएगा ना, कुछ ज्यादा नहीं तो कम, कम नहीं तो ज्यादा। तो इसलिए ज्यादा सोचने का नहीं है, बस अपना काम करते रहने का, मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो आप भी मान के चलो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होना। तो प्लीज आप भी हमारा साथ दीजिए यार, आपकी एक एक जब आप एक बार सब्सक्राइब करते हो ना तो हमारा मतलब कि ना मनोबल बहुत बढ़ता है, जब आप एक लाइक करते हो तो हमारा और अच्छा लगता है कि यार हम और अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि हमको इतना प्रोफेशनल तौर पे वीडियो वीडियो बनाना आता नहीं है, हम बस अपने फैमिली ब्लॉग बनाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी फैमिली ब्लॉग्स को पसंद कीजिए और हमें प्यार दीजिए, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। सो गाइज वर्कआउट वगैरह कम्प्लीट हो गया है, एक्सरसाइज बढ़िया लगी आज, ठीक ठीक लग गई, क्योंकि आज मतलब कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेरी तबीयत वगैरह भी ना हल्के हल्के रिकवर हो रही है, तो उस हिसाब से एक्सरसाइज अब थोड़ा ठीक लगनी शुरू। सो गाइस देखिए चाय बिल्कुल रेडी है, पूजा भी आ गई है नहा के और बच्चों को भी देंगे थोड़ी थोड़ी। ओए तो गाइस अगर सबसे ज़्यादा मेरे को डर यही लगता है कि बच्चे बीमार ना हो, जैसे कि अभी आपने देख लिया आकृति ने भी छींक वगैरह मारी, मेरे को उसी टाइम डर लग जाता है कि यार सब ठीक ठाक हो। तो इसीलिए इनकी भी चाय बनी है, इनको भी आज चाय देंगे अदरक वाली, अब खास भी रहे देख लो। फिलहाल इनको चाय वाय देते हैं क्योंकि शाम को नहाए ना। अक्षत आ गया, अब बताओ अक्षत कितना प्यारा लग रहा है नहाने करके, है ना तेरा अच्छा बच्चा। तो गाइस डिनर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो साथ में ले लिए थोड़ी सी दाल कड़ी और रोटियां। चलो बच्चों खाना खाते हैं। तभी ठीक है वहां पे कितना क्यूट पाई है। हाँ
सो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे कल। जो भी हमारे चैनल को नए आए हैं, जुड़े हैं, देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज ऐसा है कि कल से बच्चों के पेपर स्टार्ट है, तो पेपर है 9:30 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आकृति मेरे को बोल रही है कि मम्मा मैंने अलार्म लगा दिया। मैंने अलार्म लगा दिया 4 और 80। मैंने बोला कितने बजे का अलार्म लगाया, मम्मा मैंने 9:30 का अलार्म लगा दिया। मैंने कहा बेटा 9:30 तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 का अलार्म लगाने से क्या होगा, 9:30 से उठूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा आपको पहले उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, कुछ तैयारी पेपर की, आपको टाइम पे ही पड़ेगा, 9:30 से आपको पेपर स्टार्ट होगा। मैं बच्ची हूँ मुझे क्या पता होगा। हाँ तो आप बच्चे हो तो मम्मा पापा का कहना मान करो, ठीक है। सो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करके आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।